नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा बलों के साथ फतेहाबाद पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। पुलिस लाइन से लेकर के पूरे शहर में ये फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान डीएसपी सुभाष चंद्र पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। फतेहाबाद की तीनों विधानसभाओं में ये फ्लैग मार्च निकाला गया। डीएसपी ने कहा कि चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से बनाने के लिए ये फ्लैग मार्च आज निकाला गया है। पल पल फतेहाबाद से राजेश बांबू की विशेष रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव को देखते हुए आज फतेहाबाद की तीनों विधानसभा में सुरक्षा बलों व पुलिस ने अपने बल के साथ में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान सीआईएसएफ की एक टुकड़ी तथा भारी पुलिस बल मौजूद रहा। यह फ्लैग मार्च पुलिस लाइन से होते हुए पूरे शहर में अलग अलग जगह पर डीएसपी जगदीश चंद्र के नेतृत्व में चला। उन्होंने बताया कि चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से करवाना ही इस फ्लैग मार्च निकालने का मकसद है, जो लगभग तीनों विधानसभा में निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने तथा किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए ये मार्च पास्ट निकाला जा रहा है। इससे जनता जागरूक भी होगी। अब देखें पल पल की विशेष रिपोर्ट। उगर क्यों ना किस तारीख को विधानसभा इलेक्शन है उसको लेके जो है ना उस इलेक्शन को फ्री फेयर एंड जो है उसको पीसफुल इलेक्शन करवाने के लिए फ्लैग मार्च निकाला। कितने जवान है, कितनी कंपनी है? ये हमारी जो है एक कंपनी सीएसपी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस मिलकर जो है ना पूरे तीनों विधानसभा क्षेत्र के अंदर फ्लैग मार्च निकाला। कहाँ से तक कहाँ तक निकलोगे जी? अब जो है ना फतेहाबाद शहर से होते हुए बट्टू से आगे खाराखड़ी बडोपड़ फिर बुन्ना और फिर टुआणा कॉन्स्टिट्यूंसी और फिर प्रत्येक कौन से होकर वापस आए।